हेलो फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल में आपसी टेक्निकल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ LNT CX 2000 के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं। कोई भी ड्राइव इंस्टॉल करने से पहले इसको रीसेट करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पैरामीटर साइड एरो दबा के पैरामीटर निकाला, फिर 93 में 1 एंटर करते हैं तो ये फैक्ट्री रीसेट हो चुका है पूरा ड्राइव। फैक्ट्री रीसेट होने के बाद ये कीपैड से ऑपरेट होता है। जैसे ये मैंने रन बटन दबाया, रन में लाइट आई, फॉरवर्ड कमांड भी देख जैसा कि आप देख रहे हो। अब मैंने जैसे इसको स्टॉप किया तो ये स्टॉप होने में थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि इसका मोटर स्टार्टिंग और स्टॉपिंग टाइम जो होता है फैक्ट्री रीसेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कम कैसे करते हैं। इससे पहले मैं आपको 3 वायर का पैरामीटर बता देता हूं। अभी ये फैक्ट्री सेट रीसेट हुआ है तो इसमें पुश बटन ऑपरेट नहीं होंगे। जैसे कि ये साइड वाला बटन ऑपरेट करेंगे तो आई कमांड आएगी। आई कमांड जैसे I01234, आपको I17 में जाना है। I17 रन कमांड है फॉरवर्ड के लिए, इसमें 0 है, इसको हम 0 ही रखेंगे फॉरवर्ड के लिए। फिर I18 में जाना है आपको। I18 में जाने के बाद आपको एंटर करना है, यहाँ पे भी 1 करना है आपको, 1 भरना है यहाँ पे। ये रिवर्स कमांड के लिए है। फिर I21 में जाना है आपको, I21 ये 3 वायर कनेक्शन के लिए मेन पैरामीटर है। यहाँ पे 4 है, 4 है, 4 की जगह आपको 17 करने हैं। ये 17 करते 3 वायर पैरामीटर अपन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये मैं 3 पैरामीटर ही मैंने, अब मैं आपको बता रहा हूँ ACC एक्सेलरेशन टाइम जो यहाँ पे 20 दिया हुआ है इसको हम कम कर देंगे। ये टाइम ज़्यादा होने पर मोटर स्टार्टिंग ही टाइम लेती है, स्लोली स्टार्ट होती है, इसलिए टाइम कम से कम रखें। ज़्यादा कम भी नहीं रखना चाहिए जिससे मोटर में झटका पड़ जाता है और गियर भी डैमेज हो सकते हैं। तो मैं इन 2 सेटिंगों का खास कर ध्यान रखें, एक्सेलरेशन और डिक्लेरेशन टाइम, स्टार्टिंग टाइम और स्टॉपिंग टाइम। यहाँ पे मैं कम से कम 0.5 कर देता हूँ। इसके बाद डिक्लेरेशन टाइम, इसको भी कम कर देता हूँ। ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए जिसे मोटर और गियर में झटका पड़े, मोटर के बैरिंग भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा कम होगा तो। इसको भी मैं 0.5 लगभग सेट कर देता हूँ,
7 एंटर, ये हो गया। ये दोस्तों हमारा 3 वायर कंप्लीट हो गया। अब इसके अलावा नॉर्मली पैरामीटर तो आपको पता ही है, अगले वीडियो में मैंने बताया हुआ है सब। डिक्लेरेशन के बाद DRU, ये मेन पैरामीटर है फॉर पुश बटन, 0 की जगह हम एक कर देंगे। 0 कीपैड के लिए है और 1 पुश बटन के लिए है, एक्स्ट्रा पुश बटन लगाते हैं पैनल बोर्ड के लिए है। इसको एक करते ही हम पुश बटन से मोटर रन रिवर्स फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 3 वायर पैरामीटर पूरा हो चुका है। सिर्फ 4 पैरामीटर ही इसके मेन होते हैं। इसके अलावा तो फिर फ्रिक्वेंसी, पोटेंशियल मीटर जैसे नॉर्मल है वही रहेंगे। जैसे फ्रिक्वेंसिंग में 3 डालना है आपको, जिससे पोटेंशियल मीटर यूज कर सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में मेरी दुआ। अगर कुछ गलती होती है तो ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।